ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी के मामले से बवाल मच गया है। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद कुछ ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने नस्लीय टिप्पणी की। भारतीय गेंदबाजों ने इसकी शिकायत अपने कप्तान से की, जिन्होंने अंपायरों को इस बारे में जानकारी दी। मामला आईसीसी के पास पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने इसकी शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज भी कराई है। अब इस मुद्दे पर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि बीसीसीआई और आईसीसी इस मामले से निपट रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतों को जगह नहीं दी जा सकती। हमें इस मामले की जानकारी मिली है। क्रिकेट भद्रजनों का खेल है और इस तरह की हरकतों की ना तो जगह है और ना ही इन्हें स्वीकार किया जा सकता है। टीम प्रबंधन इस मामले से निपट रहा है। बीसीसीआई और आईसीसी को भी इस मामले के बारे में पता है और इस तरह की टिप्पणियों को रोकने के लिए आईसीसी की ओर से नियम भी बनाए गए हैं। Well, we have also come to know of this. So, team management is dealing with the matter and BCI as well as ICC is also aware of it. There are ICC rules and provisions which forbids from anyone to make racial abuses. And those pronouncements are being done in every stadiums as well as boards are also put up. If in spite and despite of that, if somebody is doing that, I think Australian board should take cognizance of it and these kind of incidents must be prevented. And BCI secretary is... देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।